खबर रायसेन जिले से है, जहां सिलवानी थाना क्षेत्र के ग्राम पड़रिया में ट्रैक्टर पलटने से उसमें सवार दो लोगों की दबने से मौत हो गई है। यह घटना रविवार रात 1 बजे की है, जहां बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति सोनालिका ट्रैक्टर से खेत की बखरनी कर रहे थे। उसी दौरान दोनों व्यक्तियों को पानी से भरा हुआ नाला नहीं दिखा और सोनालिका ट्रैक्टर नाले में जाकर पलट गया, जिससे दोनों व्यक्तियों की ट्रैक्टर के नीचे दबने से घटनास्थल पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक नितेश राठौर और आकाश ठाकुर दोनों ही ग्राम खमरिया मानपुर के निवासी थे। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे हुए दोनों व्यक्तियों को सिलवानी सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा दोनों मृतकों के पीएम के बाद सबको मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। आज रात्रि 1 बजे की बात है, एक जगह खेती का काम चल रहा था ट्रैक्टर के द्वारा, जिसमें से एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था और खेत की मेड़ में घास लगी हुई थी, उसके जस्ट पीछे एक नाला था, उसको समझ नहीं पाया और ट्रैक्टर बैक करते समय ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें से एक आकाश और दूसरा नीलेश नाम का लड़का था जो ट्रैक्टर में बैठे हुए थे, ट्रैक्टर के पलटने से जो नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी, हम लोगों ने जाके उसकी डेड बॉडी निकलवाई थी और हॉस्पिटल सिलवानी लेके आए और उनका पोस्टमार्टम कराया, सब परिजनों को सपोर्ट किया गया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई आगे होगी वो की जाएगी। मेरा भांजा नीलेश राठौर खमरिया निवासी, जिसकी ट्रैक्टर चलाते समय खेत की बखरनी करते हुए देर रात लगभग 10:30-11 बजे खेत की बखरनी कर रहे थे, उसी समय ट्रैक्टर अनबैलेंस होकर खेत की बाजू की तरफ नाले तरफ जाने के बाद पलट गया। पलटते ही दोनों आकाश ठाकुर और नीलेश राठौर ट्रैक्टर के नीचे आ गए, ना निकलने के कारण, पानी एवं गीली जगह सतह होने के कारण ऑन द स्पॉट उनको निकाल कर अस्पताल लाया गया।